मैं बकायदा मीटिंग का आगाज हो चुका है और लिहाजा जिहड़े दोस्तों मैं बुलावांगा वो मेहरबानी करन के टाइम की कमी की वजह से ज्यादा टाइम नहीं लगाना क्योंकि जुमे का टाइम हो जाना है अपने मरकजी सदर ने भी तकरीर करनी है ते पंजाब सदर ने भी तकरीर करनी है मैं भी ज्यादा टाइम नहीं लवांगा अपने बिलों उत्ते अपने बिलों उत्ते फोन नंबर चाहे औरफ लाता चाहे पाप लाता फोन नंबर पिंड का नाम अपना नाम वो लाजमी लिख रहे जनाब साडे मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर साहब तशरीफ ला चुके हैं जनाब इफ्तेमाम मटा तशरीफ लैन दे खड़े होके इस्तकबाल करो खोखर साहब दे जी आन वास्ते भाई जेरे दोस्त है कहने के उत्ते स्टेज पे बैठे थे मेहरबानी करो कि अपने जेरे मेहमान आए ने उन्होंने पूरा हो लेन दियो बैठ लेन दियो अपनी तो खैर है मेहरबानी करना नाराजगी नहीं करनी क्योंकि स्टेज उत्ते ज्यादा बंदे नहीं बैठ सकते मैं बकायदा जलसे का आगाज शुरू करने लगा जनाब मैं बुलावांगा अजी अली शेर साहब टाबर तो बत्ती एस पी तो लेकिन टाइम की बड़ी कमी है इस वास्ते ज्यादा देर नहीं लगानी बस अपना तारफ करवा के बड़ी मेहरबानी इंतहाए नगारिश है यही मेरी कि तेरे ही नाम से इब्तिदा करूं लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल और औलाद पर मैं जनाब खालिद मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर साहब पंजाब किसान इत्तेहाद के पंजाब के सदर जनाब चौधरी रिजवान साहब और स्टेज के दूसरे जिन्हें भी कायदीन बैठे ने और सिपाही जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद और मेरे किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम जिवें कि तुहानूं पता है कि इस हुकूमत ने जदों आई सी दावा कीता सी कि असी लोगों नूं आसानियां पैदा करांगे इमरान खान ने बड़े जुल्म कीते ने लिहाजा ए असी आवाम वास्ते बड़ियां भलाइयां दे काम करांगे उन्हां वास्ते कीमतां काम करांगे मुकसर चोरी साहब दा वी आर्डर है ते 2 मिनट मुकसर मुकसर मेरे किसान भाइयो सब तो आला जहाज सी हजरत इमाम हुसैन दा असी उन्दे पैरोकार हां असी अपने हक वास्ते जिंदा कौम अपने हक वास्ते निकलदियां ने तुसी अपना किसान होण दा सबूत दिओ अपना जिंदा होण दा सबूत दिओ अपने हक वास्ते निकलो के साडे कायदीन आर्डर देन दे असी उस आर्डर ते लबे कहिए और असी उस आर्डर मन्नांगे साडे ते जालमाना ये पत्ते पत्ते वाला टैक्स ते लाया है ते इंशाल्लाह खत्म होएगा जे असी लैदा लैदा गल करते रहांगे ते साडे ते कोई टैक्स खत्म नहीं होएगा अज सुबह 8 बजे जिहड़ी एक खबर अज पढ़िया सी सुनिया सी के एक अब लूमा वाले जिहड़े फैसलाबाद लूमा वाले मजदूरां ने अपना घरां दा बिल देण तों इनकार करता है असी भी इंशाल्लाह असी को उन्हां तों माड़े नहीं ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਏ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੀਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਕਰੀਰ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਕਾਇਦੀਨ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ दावत देवा का स्टेज पे आना अपने ख्याल का जाहिर करें मुक्सर वक्त के बीच मियां ज़िया साहब
खोखर साडी शान है ते रदवान साडी जिंदे ते सारे किसान असा इन्हां दी जान है। गल्लां बहुतियां दे विच नफा कोई नहीं, असा नेड़े ही गल मकाउणी है। ये जगे टैक्स तो जान छुड़ा के असा आपकी साख बचाउणी है। साडी किसी सियासी पार्टी का कोई साडा मन दखल नहीं, ये साडा सिर्फ किसान धा दे ते किसान धा दे तुसी सारे किसान धा जी ते तुहाडे बारे उत्थे कोई गल नहीं हुंदी। असेंबली जो पहुंच जाने ना साडे मकामी एमपीए एमएनए किसी साडे बारे कोई गल नहीं कीती ते जदों भी कोई एमपी एमएनए साडे पिंड आउंदा ना ते सानू भौण नू जगह नहीं लभदी। असीं ओही जुलियां दे खेस गल ने जिहड़ी साडे दाज आए हुंदे साडी बेगम दे दसकां ने ओह बछाओ इहदे थल्ले, ठीक है ना। ते असीं जदों दे नेड़े जाणे साडी कुत्ते दी नहीं कदर नहीं हुंदी। असीं अशरफ उल मखलूकात इंसान आ, तुसीं अपनी रोजी आप कमा रहे। कोई बंदा हत्थ खड़ा करे, इन्ने किसान खड़े ने, किसी एम पी एम ए ने उन्होंने गड़ाह दी है यार 100 बोरी खाद दी तैनूं देती जा जाके फसल पका ला, किसी ने दी है फिर क्यों लड़ते जे, किन्ने नहीं लड़ते जे। आपके बच्चों वास्ते लड़ो, आपके बच्चों की रोजी कमाओ। महंगाई इन्नी हो गई है, हर बंदा ही परेशान है। ते रही चोर डाकू वाली गल, ये सारे चोर डाकू लुटेरे, कोई साडे हक च नहीं हैगा, कोई भी साडे हक च नहीं हैगा, ना साडे हकूक दी कोई गल करदा। ते अल्लाह दे बंदेओ, ਉਹ ਖੁਸਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਖੁਸਰੇ ਇਸਤਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤਾਜਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਲੜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਤੜੀ, ਇਹ ਜੰਮ ਕੇ 5-7 ਬਾਤ ਛੱਡਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਰੰਗੀਲ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਰੰਗੀਲ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੁੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦੀ ਏ ਗੋਲ, ਤੋੜ ਦੂੰਗੀ ਲੱਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਕੋਠੇ ਟੱਪਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਰੰਗੀਲ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਰੰਗੀਲ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਆਖਰੀ ਮਿਸਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਵਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨਾ ਆਈ ਖਾਦ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਜਾ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਸਤਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੋਲੀ ਫੀਸ ਤਾਰ ਵਾਲੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਵਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਸੋਚ ਸੋਚ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦ, ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇਤਬਾਰ, ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਸੀ ਤੇ ਖਿੱਚਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਰੰਗੀਲ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪੰਡਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦਾ ਦੱਸ ਪਾ ਕੇ ਫੜਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਦੇ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ 3 FIR ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਯੂਕਰੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਫੜ ਲਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਬ ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਦਰ ਜਨਾਬ ਤੈਯਬ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਬਾਈ ਤੈਯਬ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। نحمدو ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے سب سجنوں نو سب متروں نو خوش آمدید۔ کھوکر صاحب ساڈے اے سارے ساتھی
हमेशा असि एक कदम ना चल रहे कंधे ना कंधा मिला के चल रहे हैं। और अज तक जो भी टैलेंट सारी पाक पतन च हुई है इन्होंने कामयाबी की असर पाई है। मैं वक्त काटे कभी बहुत ज्यादा है और जो मैं शुरू होने वाला मैं सिर्फ दो गल्लां करना चाहना। मैं सब जिन्हें भी मेरे दोस्त मेरे भरा खड़े ने मैं एक तुम गुजारिश करना कि साडा एक नुमाइंदा पाक पतन साडा एक नुमाइंदा आरफ वाले बैठा हुआ है साड़ी जमात साड़ा तंजीम पाकिस्तान किसान खाद खोखर ग्रुप वालों कोई बंदा एक रुपए का टैक्स किसी को नहीं लेगा कोई भी फंड नहीं लेगा एक फंड नहीं होगा। साडे नुमाइंदे ताड़ी खिदमत वास्ते ताड़ी हर जायज काम वास्ते दिन रात बैठे ने और ताड़े वास्ते हाजिर ने असी भी हाजिर हैं। और दूसरा मैं गुजारिश करांगा कि साडे चंद साथी ने साडे मैंबर भी नहीं ने साढ़े चंद साथी साढ़े मैंबर नहीं ने लेकिन साढ़े नाल बैठे हैं। अगर किसी गरीब के नाल वो बिल नहीं दे सकता वो साढ़े कहते नहीं हो वो बिल दे सकता ही नहीं लेकिन अगर कोई बाप दादा या कोई भी होता वो मीटर बटन या कोई चीज़ आ गए असी सब मिलकर उनके बाजू बना असी सब मिलकर बाजू बनोंगे बाकी सब ग्रुप एक साइड पे लेकिन जी यह तहरीक चल रही है ये सब किसानों की है किसानों के हकूक की है और सब किसान एक झंडे तले खड़े हो। थैंक यू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मैं मोहतरम जनाब चौधरी रिजवान इकबाल साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज इतना खूबसूरत पंडाल सजाकर आपने कामयाबी का जीना तय कर लिया है। आज मैं ये समझ रहा हूं कि इस वक्त वापदा वालों की और गवर्नमेंट की टांगे कांप रही होंगी कि आपके इस कट को देखकर। अब मैं समझता हूं किसी को जरूरत नहीं होगी कि वो आपके मीटर की तरफ आंख उठाकर देखे आप बिल बिल्कुल नहीं भरने और जब तक ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को खत्म नहीं कर देते मुस्तकिल तौर पे हमारे बिलों में से निकाल नहीं देते उस वक्त तक हम ऐलान करते हैं कि हम बिल अदा नहीं करेंगे। मैं एक दफा फिर क्योंकि आप इतनी गर्मी में आप यहाँ पे मौजूद हैं तो आपका इस गर्मी का लिहाज करते हुए मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ चौधरी रिजवान इकबाल साहब और उनकी टीम को। माशाल्लाह बहुत अच्छा पंडाल सजाए। अस्सलाम फोन नंबर लिख लो पिंड का नाम आदमी बिल से लिखना क्योंकि असं दोबारा तुम्हें कॉल भी करनी है। इस तो बाद मैं दब से खिताब देन जा रहा जनाब साढ़े पंजाब के सदर चौधरी रिजवान इकबाल साहब स्टेज में स्पीच लेके आओ और जनाब थोड़ी ताड़ियों की गूंज नाल इस्तेमाल करना चौधरी रिजवान इकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब भाइयों मैं इतने आने वाले जे अपने कीमती वक्त चो टाइम कढ़ के आए ने अपने हक वास्ते इस मुल्क वास्ते क्योंकि जरात इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसीयत रखती है। अगर किसान अपना हक मंगता अगर किसान खुशहाल होगा तो मेरा मुल्क खुशहाल होगा। तुम जी जंग लड़ रहे हैं कले आप अपने आप की नहीं लड़ रहे इस मुल्क की लड़ रहे हैं। थोड़ा जा वाजिया कर दईए कि सन 2012-13 के बिच भी सही टूर के बिल इवें ही आने शुरू हो गए थे किसी को 20 रुपए किसी को 30 रुपए किसी को 40 रुपए किसी को 50 रुपए लेकिन फिर एक किसान इतिहास ने जन्म लिया। तुम सारे साथियों ने नाल शामिल होए
फिर तारीख पहली दफा किसान कट्ठे हुए तो उन्होंने साबित करवाया चार पांच साल तुम्हें 6 रुपए 35 पैसे या 5 रुपए 35 पैसे बिल अदा किए। अगर कट्ठे हुए तो 5-6 साल रिलीफ लिया, लेकिन दोबारा बदकिस्मती ना साल डेढ़ को टैक्स बताते बताते अज वो नौबत आ गई कि अज मेरे काश्तकार को बिल अदा करने की सकत नहीं रही। डीएपी 15,000 की होगी, डीएपी खरीदने की सकत नहीं रही। क्या हूं भी असं खामोश बैठे रहेंगे तो फिर साढ़े आने वाली नस्ल भी साढ़े को जवाब मिलन गई कि तुम इस मुल्क के पेशे जिस तरह मुतलक सी उस क्यों नहीं बाहर निकले। अज इतने किसान इतिहास को सारे दोस्तों इकट्ठे करने का मकसद ये कि असं सही टूल के बिल एहतजाजन रोकने ने। मैं ये नहीं कहता कि असं ये बिल माफ कराने ने, ये बिल साढ़े को मौजूद रहना हर वक्त, लेकिन असं बिल अदा नहीं करने क्योंकि जो तक फ्यूल एडजस्टमेंट खत्म नहीं करेंगे असं बिल अदा नहीं करांगे। ते अपने अपने पैसे कोई बंदा ये मत सोचे कि ये माफ होने ने, लेकिन साडा एक जायज मुतालबा है कि असं बिल देने लिए तैयार हाँ। साडी फ्यूल एडजस्टमेंट में साडे टैक्स खत्म करो असं बिल अदा करांगे। गर्मी भी बड़ी है, किवें दा दिन ने, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहना क्योंकि साडी मर्जी कयादत खालिद महमूद खोखर साहब आए ने जिहड़े मेरे ख्याल च 10-15 दिन महीने च इस्लामाबाद किसानां दी आवाज वास्ते हर प्लेटफॉर्म ते जांदे ने, हर गवर्नमेंट दी मीटिंग च जिथे किसान दी आवाज पुछाई जा सकती है, हर चैनल ते जिथे भी टाइम दिंदे ने। शायद साडे कोल इतना टाइम नहींगा जितना खालिद खोखर दिंदे ने। ये साडी पूरी किसान इतिहाद दा सरमाया ने ते असीं कहिंदे वी ज्यादा टाइम उन्हां नूं दईए तां कि तुहानूं जिहड़ियां अज तक पेशरफ्तां होईआं उह सारीआं पता लग जावण। मैं आखर दे विच एक तुहानूं वाजिया कर देवां कि ज़रई टूअल दे बिल उत्ते साडी तंदीम नूं खालिद खोखर लोपलो ये वाजिया ऐलान है कि कोई फंड नहीं होवेगा, ये फंड असीं उहदे दार देवांगे। किसी ने फंड नहीं, सिर्फ अपना बिल जमा करवाउणा है, इंशाअल्लाह ताला उहदा बेस बिल दुरुस्त हो के आपका बिल आप वसूलेगा। इस तों बाद अगर साडे तहरीक ये मुतालबे नहीं मन्ने जांदे ते अगले महीने की तैयारी रखो कि अगले महीने असीं पार्लीमेंट के सामने जाना है, मजीद ऐलान खोखर साहब करनगे। मैं ज्यादा वक्त तो गर्मी बड़ी है तो मैं हूँ खुद ही खोखर साहब दावत खिताब देना कि उस भाई को लाला प्रश्न नहीं है। सारे पाक पतन वाले तैयारक वाले वाले आए ग्राउंड थोड़ा है गया है, फौजी ग्राउंड भरना 29 तारीख को तेवे में परिमणा। सारे ब्राह्मण ने मेहनत करनी, मैं खोखर साहब को रिक्वेस्ट करांगा, ना कोई टाइम ना भी होया खोखर साहब 29 तारीख को तुम बुलावांगे और इंशाल्लाह फौजी ग्राउंड भर के दिखावांगे। इस तो बाद मैं साहब का खिताब देना जनाब साढ़े मोहम्मद अब्बास साहब ने 32 SP दे उन्होंने स्पेस सेक्रेटरी बनावना सी, लेकिन टाइम थोड़ा सी, वो खोखर साहब का इस्तकबाल करना चाहते ने, उन्होंने बुलाना चाहते ने, मैं उन्होंने दावा करूँ। हेलो जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब। अब मैं अपने और आपके लीडर को दावत खिताब देने के लिए जा रहा हूँ और पाकिस्तान की बल्कि पाक पतन आधारित वाला की गयूर कौम और गयूर आवाम और गयूर ये हमारे किसान भाई ये जानते हैं कि हमारे मेहमान का हमारे लीडर का किस तरह इस्तकबाल किया जाता है। मौका पे मुंह को मोड़े ऐसे जवान नहीं हम, जनाब से गरज क्या महवे पता नहीं हम, हक बात क्यों ना कह दे कुछ बेजबान नहीं हम, बादल से दबने वाले ऐ आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तहान हमारा, 100 बार कर चुका है तू इम्तहान हमारा। इसके साथ साथ ही जितने दोस्त जितने किसान भाई
जितने कम्युनिटी के लोग, तमाम कम्युनिटी की बरादरी के लोग यहाँ पे जमा है, नौजवान जमा है, बुजुर्ग जमा है, बच्चे जमा है, खासतौर पर हमारे जो मीडिया के लोग जमा है, हम इनको आज के इस शानदार जलसे और इस शानदार इज्तिमा में खुश आमदीद कहते हैं। जरा मीडिया भाइयों के लिए जरा जोरदार क्लैपिंग हो जाना चाहिए, उनके हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया जी। अभी मैं हमारे दिलों की धड़कन, हमारा लीडर जो है उसको बुलाने जा रहा हूँ, हमारे हीरो, हमारे दिलों की धड़कन, मुस्कुराता हुआ चेहरा, इंतहाई मिलनसार शख्सियत के मालिक, फखरे अहले पाकिस्तान, फखरे अहले पंजाब, फखरे पाकिस्तान किसान इतिहाद, हमारा ईमान, हमारा तरान, समाजी फलाई शख्सियत, पाकिस्तान किसान इतिहाद के मरकजी सदर जनाब खालिद मकबूल साहब से इल्तिमास गुजार हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारे किसान भाइयों से अपने ख्याल का इजहार करें। उनके आने से पहले, उनके आने से पहले जरा जोरदार नारा ना चाहिए। मेरे जिस जिस भाई के पास, बल्कि सब भाई के पास बिल जरूर होगा, जरा अपनी जेब से निकाल के अपने हाथों में कर लें। तमाम भाई अपना अपना बिल अपने हाथों में खड़ा करके जरा लहराए उसको, फाफा वालों को और हुकूमत फकत को दिखाए कि हम एक हैं, हम एक हैं। मेरे साथ जरा मिल के नारा लगाना है, मिल के जुल्माना टैक्स ना मंजूर, जुल्माना टैक्स, जुल्माना टैक्स, जगह टैक्स, जगह टैक्स, महंगी खाद, महंगी खाद, महंगा डीजल, 5 रुपए 35 पैसे फी यूनिट बहाल करो, 5 रुपए 35 पैसे फी यूनिट, 5 रुपए 35 यूनिट फी, 5 रुपए 35 यूनिट बहाल करो, किसान को खुशहाल करो, किसान को, किसान को फोटो अपने खूने दिल से, खूने दिल देके निखारेंगे हम, खूने दिल देके निखारेंगे हम, रूहे बरगे गुलाब, हमने इस गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। आपकी पुरजोर तालियों में मैं दावत देने जा रहा हूँ हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब मलक खालिद महमूद खोखर साहब को, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए जनाब मलक खालिद महमूद खोखर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सब काश्तकार भाइयों को, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बिहमदिल्लाह जमीअन वला तफर्रुकु, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरके में न पड़ो। अल्लामा इकबाल ने कहा था, फर्द कैम रक्त मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई कि इस बड़ी थोड़ी जगह में काश्तकारों का एक जमे गफीर यहाँ पे इकट्ठा हुआ, और गर्मी की परवाह किए बगैर कुछ लोग मेरे दोस्त धूप में खड़े हैं। किस लिए? क्योंकि वो समझते हैं जो एक किसान है वो नैबे खुदा है, अल्लाह का दिया और इस जमीन का सीधा चीर के अल्लाह के मखलूक तक पहुंचाता है। जो किसान है वो सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन है। उसकी दलील ये है कि वो अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर, जदाद इधर, उसकी तालीम इधर, सेहत इधर, उसका ईमान तक है। उसके बदले मुकाबल जो उसकी मईशत का फैसला करने वाले हैं, जो उसमें हुक्मरानी करने वाले हैं, उनकी औलादे बाहर, जदादे बाहर, दौलत बाहर, फ्लैट बाहर, तालीम बाहर, सेहत बाहर, हत्ता के उनका ईमान तक बाहर है। ये फर्क है पाकिस्तानी काश्तकार में और एक हुक्मरान में। आज इस मुल्क में हर चीज पैदा करके देने वाले को किसान, दूध वो
अल्लाह के हुक्म से वो पैदा करता है, कपास वो पैदा करता है, सब्जियां, फ्रूट, गोश्त, गर्जे चावल, गर्जे के हर चीज पैदा करके देने वाले को इस मुल्क में इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। उसको लकब दिया जाता है कि वो एक पेंडू और गवार का लकब दिया जाता है उसे। हमारी उस वक्त की इज्जत खत्म हो गई जो एक वक्त में मौजूद थी, जिस वक्त की वजह से लोगों के कत्ल माफ हो जाते थे, रिश्ते मिल जाते थे। आज उसकी कहीं इज्जत नहीं रही। उसके कसूरवार कौन है? हम खुद। हम किसी और को बुरे से इल्जाम मत लगाएं, हम ही उसके कसूरवार हैं कि हमने जिन लोगों को अलेक्ट करके यहां से भेजा, जिनकी खुशामद की, जिनकी खुशामद में हम आखिरी सतह पे चले गए। जब वो ईमानों में गए तो उन्होंने कभी भी हमारा मुकदमा पेश नहीं किया। अगर वो हमारा मुकदमा पेश करते तो आज पाकिस्तान की मौसी हालत चे ना होती। आज आपके सामने हमारे हुक्मरान अरबों नहीं खरबोंपति है, उनको अपनी दौलत का अंदाजा भी नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तान कहाँ है, उसकी मौसी हालत कहाँ है? रोज खबर आती है कि आज बैंकक्ट हो जाए, आज बैंकक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान वो हुक्मरान दिन ब दिन अमीर होते गए, पाकिस्तान गरीब हो गया। आज अगर हम बगौर देखें पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हुकूमत में हैं, कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी हुकूमत में, पीटीआई हुकूमत में, नून लीग हुकूमत में, काफ लीग हुकूमत में, जेयूआई हुकूमत में, एमक्यूएम हुकूमत में, तमाम पार्टियां हुकूमत में, तमाम जीते हुए हैं। तो फिर हरा कौन? हरा किसान और पाकिस्तान। आज शिकस्त किसकी है? किसान की शिकस्त है और पाकिस्तान की शिकस्त है। ये सब जीते हुए हैं, ये सब आके हमारे जज्बात से खेल के हमारा इस्तेहसाल करते हैं, हमसे झूठ बोलते हैं। मैं असेंबली में बहुत दफा सुनने गया हूं, कभी आपके लिए बात नहीं हुई। कैबिनेट में कभी आपके लिए बात नहीं हुई। अगर किसी एक शख्स ने बात किया तो अक्सर ने उसकी मुखालफत की है वहां पर। मुझे आप एक चीज बताएं, पिछले साल हमें गंदम का रेट मिला 2200 रुपया, इंटरनेशनल रेट था तो 4500 रुपया रेट है। हमें इंटरनेशनल प्राइस से तकरीबन 1600 से 1700 अरब रुपया कम मिला। चार दिन पहले नेशनल असेंबली में एक मीटिंग थी जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर थे, एमएलए थे, सेनेटर थे, तो मैंने एक ही सवाल किया कि मुझे ये बताएं, आप लोग जो सामने बैठे हैं, आप 50 साल से कम हुकूमत में चले आ रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, नून लीग के भी थे, मैं क्या मुझे एक चीज बता दे कि आपने हमारी तकरीबन 10,000 की प्रोड्यूस होती है जरात की, जो हम पैदा करके देते हैं, उसके बदले में आपने जरात के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट की है, रिसर्च के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट की है, रिसर्च जो लोग बीज बनाते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा कम खर्च, सबसे कम खर्च हमारे रिसर्च के इदारों में होता है। यही वजह है कि आपकी एवरेज गंदम की पैदावार 30 मन है, इंडियन पंजाब की 60 मन है, ऑस्ट्रेलिया की 80 मन है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च की, वो रिसर्च पे आ गया। फिर मैं आपको एक चीज और बताता चलू, मुझे 10-11 साल हो गए इस्लामाबाद लाहौर जाते हुए, मैं चैलेंज से एक बात कर रहा हूं, आज कोई एक कंट्री ऐसी नहीं है जिसने जाके आपका मुकदमा पेश किया हो वहां पर, कोई एक कंट्री अगर सामने ला दे, वो एक बच्चे ने झूठ बोला था अपने बाप से, तो उसने बाप के बाप ने कहा बेटा मुझे इस बात पे अफसोस है तूने झूठ बोला, अफसोस इस बात का है कि मेरा तुमसे एतमाद उठ किया, तो फिर मैं कहता हूं कि बुश के ऊपर मेरे ऊपर एतमाद मत करना। तो ये बोलो मरो, कोई एक शख्स कोई एक दे जिसने इस्लामाबाद में आपके मुकदमा पेश किया हो। मैंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, तमाम सियासतदान, इमरान खान भी आए, नून लीग वाले भी आए, पीटीआई भी, काफ लीग वाले भी आए, पीपल्स पार्टी भी आई, एमक्यूएम भी आई, तमाम पार्टी आई, रिजवान इकबाल साहब मौजूद थे, हमने वहां अपना मुकदमा पेश किया।
हमने लाहौर सरीना में प्रेसिडेंट पाकिस्तान को बुला के 10-12 मिनिस्टर बुला के अपना मुकदमा पेश किया। मैंने सदर हाउस में जाके तकलीम की, नेट पे आप सुन सकते हैं। मैंने गवर्नर हाउस में खड़े होकर तकलीफ आपका मुकदमा पेश किया। आज तक कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी ढीली बात नहीं की, लचक से बात नहीं की, डट के बात किया। उसकी वजह एक है, वजह यह है कि मेरा बाप भी किसान था, मेरा दादा भी किसान था और मैं खुद भी काश्तकार हूँ। काश्तकारी मेरा सिर्फ पेशा नहीं है बल्कि मेरा शौक भी है। दुनिया का कोई शख्स अभी अपने शौक को नुकसान नहीं पहुंचने देता। आज हमारी बदकिस्मती कि बहुत सारे लीडर ऐसे बन के आगे किसानों को नोचने के लिए जो खुद काश्तकार भी नहीं है, एक एक करके काश्तकारी भी नहीं करते। वो कहते हम भी लीडर हैं। मैं कहता हूँ आए काम करें, कुछ रिजल्ट दें। मैं ये भी चैलेंज से कहता हूँ कि जब आपका रेट अगर जीएसटी खत्म हुआ, बिजली का रेट कम हुआ, अगर हमारे अलावा किसी और का कोई किरदार, कोई शख्स आके हमारे अलावा वजीर आजम से मिलाओ, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलाओ, बैठ के बात की हो, हमारी तंजीम पाकिस्तान में वायदा है कि अगर वजीर आजम से मिले, दुनिया की पहली मिसाल है कि वजीर आजम की मुलाकात 40 मिनट पूरे तमाम टीवी चैनल पे चली। और एक और बात भी मैं कहता चलो, मुझे 10-11 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक 1 रुपया रिफंड नहीं लिया। यहां क्या तमाशा लगा हुआ है कि मैं फलां से नाराज हो गया हूं इसलिए मैं उस ग्रुप पे जा रहा हूं, मैं फलां से नाराज हो गया हूं मैं उस ग्रुप पे जा रहा हूं। ओ भाई ग्रुप तो हमारा काश्तकार है, किसान है, वहां पर खालिद कोकर की क्या हैसियत है, वहां पर रिजवान इकबाल की क्या हैसियत है। हमने अगर किसान का मुकदमा कर पेश करना है, किसान कौन है? अलका से वो हबीबुल्लाह रोजी कमा के खाने वाला अल्लाह का दोस्त है, इससे बड़ा कोई भी अल्लाह का दोस्त नहीं है, कोई भी ज्यादा हलाल रोजी कमा के खाने वाला नहीं है। ये सेवा पैगंबरी है। आप यकीन कर ले, मैं अपने जज्बात का लफ्जों में अपने दुख का इहाता भी नहीं करके बता सकता आपको। जब ये बना था किसान इत्तेहाद, आज मेरी वालदा मोहतरमा इस दुनिया में नहीं है, वो हज करके आई मुझे, मैं आज दिल की बातें आपसे कर रहा हूं। तो मैं एयरपोर्ट पे लेने गया 2013 में, तो मैंने बड़े लाड से पूछा कि अम्मा जी को मेरे लिए दुआ की है? तो उन्होंने मुझे कहा पहले तुम्हारे किसान इत्तेहाद के लिए की, फिर तुम्हारे लिए की। तो मेरे लिए वो लफ्ज आज तक मेरे कानों में गूंजते हैं। मुझे पहले दिन मेरे वालदा ने बिठा के कहा कि अगर काश्तकारों की नुमाइंदगी करनी है तो फिर उनके नौकर बन के रहना, अगर काश्तकारों की नुमाइंदगी करनी है तो फिर मैं ना सुनूं कि तुम्हारी कार में पेट्रोल किसी काश्तकार के पैसे का है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा, बहुत नवाजा, कभी कभी नहीं आई। बात है नियत की, अगर इंसान की नियत सही हो कुदरत खुद बखुद सबब बनता है। अगर रिजवान इकबाल और मैं लाहौर गिरफ्तार हुए, इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुए, लाहौर हमें कहां रखा गया? वाघा बॉर्डर। इस्लामाबाद कहां रखा गया? CISL में। जरा भी हम नहीं लग सकते अंबिया। इस्लामाबाद में मुझे एसपी कहता है सिर्फ इतना लिख दो कि माफीनामा 100 पुलिस वाला जख्मी है वरना पे पर्चे हो जाएंगे। मैं कह 200 पर्चे दे दो, हमने कोई गलत काम नहीं किया। जितनी इस काम में मुझे तस्कीन मिली है, मेरे साथ बहुत दफा हुआ, मैं अकेला सफर करता हूं, बगैर ड्राइवर के करता हूं,
और सबसे ज्यादा ड्राइविंग मैं करता हूं, रोज इस्लामाबाद रोज लाहौर, कभी थकावट नहीं हुई। बहुत दफा हुआ है कि मैं इस्लामाबाद को रात को 11 बजे मुल्तान पहुंच रहा हूं, रास्ते में 9 बजे फोन आ जाता है कि कल 12 बजे फिर मीटिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंचता हूं आपका मुकदमा पेश करने के लिए। आपके इल्म में नहीं है कि पिछले 3-4 सालों में हमने कोशिश करके पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पिछले 3-4 सालों में हुई थी आलू की, किल्लू की, आम की, ऐसे नहीं आपको रेट मिले। हालांकि आपके इलाके का जो आलू काश होता है वो अब सही बार रवियन की फसल नहीं रही, मुल्तान रवियन, डीजी खान रवियन, बहापुर रवियन में काश हो गया। अगर ये एक्सपोर्ट ना होता आपकी मक्की के ऊपर, अगर हम एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगने देते तो ये मक्की का रेट 1200 रुपए होता। इसी तरीके से मक्की अगर बाहर से लाए 30% ड्यूटी उस पर लगवाई। ये किसी और तंजीम को तो इन बातों का पता ही नहीं है, वो तो एक ही काम है, पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ, 1000 रुपया बिल लाओ, ये कोई तरीका नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, आज अगर कोई और शख्स अगर नुमाइंदगी मुझसे बेहतर करना चाहता है, वेलकम, मैं पीछे चलने के लिए तैयार हूं, किसानों की बेहतरी के लिए। मेरे सामने एक ही बात मद्देनजर है मुझे कि हमने इस मुल्क की ज़राअत को कैसे बेहतर करना है। ज़राअत कितनी अहमियत की हमें, जब अमेरिका में नया लेवल हुआ हमारे मुल्क पे पाबंदियां लगी, इस ज़राअत ने इस मुल्क को चलाया। जब पाकिस्तान में एटमी धमाका किया गया पाबंदियां लग गई, इस ज़राअत ने सहारा दिया, कोई भूखा नहीं सोया। 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी गई, कोई भूखा नहीं सोया। कोरोना में लॉकडाउन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई शख्स भूख से नहीं मरा गया, किसी की आपने सपोर्ट कर दी, किसी ने उसने कर दी, इस ज़राअत की वजह से आज उसी ज़राअत का कत्ल किया जा रहा है, बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। ओ ज़ालिमों ये तो देखो, सुबह दोपहर तुम खाते क्या हो, शर्म करो, जिसका खाते हो उसी को भोगते हो, उसी की बात नहीं सुनते। अब तुम्हें वो बात सुननी पड़ेगी, अब ये काशकार चाक दिया है, अब हम तुम्हारा मुआसबा करेंगे, बदरिया वाक भी करेंगे इंशाअल्लाह। अगर जिस पार्टी ने काशकार की बात न सुनी तो भाइयों हलफ उठाओ कि उस पार्टी की इलेक्शन में तुम भी बात नहीं सुनोगे इंशाअल्लाह। ये अमीर से अमीर तर होते गए, मेरा पाकिस्तान गरीब से गरीब कर होता गया। क्यों? इसी पाकिस्तान ने इनको इज्जत दी, इसी पाकिस्तान की वजह से आज जो वजीर आजम है, इसी आवाम की वजह से, इसी काश्तकार की वजह से, तो फिर उसी की ना सुनी जाए। ये अपने मुनाफे देखे और काश्तकार का मुनाफा देखने, काश्तकार को हर चीज की प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से कम। क्यों? काश्तकारों डंडा पकड़ लो, मैं देख रहा हूं वापरा वाले कितने हैं यहां पर। हम चाहते हैं कि मुल्क बुरी चले, महकमे भी चले, हम अपना बिल भी अदा करें, लेकिन हमसे हमारा बिल नहीं अदा। जो गलत पावर प्लांट से आपने मुआहदे किए हैं, उन जालिमों से जालिमों को हमारी चमड़ी उधेर कर रख दी। मैं एक वाक्य सुनाता हूँ छोटा सा। कोई 2 माह पहले वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, पूरे पाकिस्तान से जो सबसे बड़े कारोबारी लोग थे, अरब खरबपति, उनको बुलाया गया, उसमें बंदा नाचीज को भी बुलाया गया काश्तकारों की तरफ से। काश वो 300 थे, काश्तकार कितने थे?
मेरे अगली सीट पे बैठा था मियां मंशा जो पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स है सबसे अमीर वो खड़ा हो गया माइक लेके कहता जी सुनो हुकूमत भी मेरी हो हुकूमत को बनाने वाले भी हम हो और मेरे पावर प्लांट की अदायगी क्यों नहीं अगर नहीं करोगे तो मैं प्लांट बंद कर दूंगा। तो मैंने उनसे माइक किया मैंने कहा जी अब मैं कुछ बात करना चाहता हूं। मैंने कहा जी मियां मंशा साहब से मेरी जिंदगी में पहली मुलाकात है इतना मुझे पता है कि पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी हैं सबसे कामयाब आदमी हैं इन्होंने मुझे आज एक सबक दे दिया जो हम काश्तकारों को नहीं पता था कि अगर दुकानदार दुकानदार हड़ताल करते हैं तो वो शटर डाउन करते हैं अपना काम बंद करते हैं क्लर्क हड़ताल करते हैं तो वो कलम चोर हड़ताल करते हैं मैं क्या आज सनस्कार अगर कर रहे हैं जिन्होंने कहा हम इंडस्ट्री अपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे मैं कहा जी वाहिद काश्तकार है जिसने आज तक अपना काम बंद नहीं किया मैं कहा जिस दिन काश्तकारों ने तहिया कर लिया कि अगर कोई 100 एकड़ गंदम काश करता है तो वो कहता है मैं अपने लिए 10 एकड़ काश करूंगा जो 100 एकड़ चावल काश करता है वो कहेगा मुझे 10 एकड़ काफी है जो मक्की 200 एकड़ करता है वो कहेगा मैं 20 एकड़ काश करता हूँ जो आलू 200 एकड़ करे वो कहेगा मैं 10 एकड़ काश करता हूँ मैं कहा जिस दिन उसने ये कर लिया वो भूखा नहीं मरेगा वो भूखा नहीं मरेगा लेकिन तुम्हें लग पता जाएगा अहमियत पता चलेगी काश्तकार की पाकिस्तान में तो आप किसानों को माजर चाहता हूँ आप भोपाल में माजर चाहता हूँ मैं दो मिनट और बात कर सकता हूँ नहीं मुझे बहुत एहसास है कि आप गर्मी में खड़े करेंगे मुझे एक चीज बताएं कुछ बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनकर देखा होगा पाकिस्तान का मतलब क्या पाकिस्तान कल में फिर नाम मेरा आपसे एक सवाल है इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई शख्स खड़ा होकर कह सकता है कि उसे इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुफ्त और बर्वक्त इंसाफ मिले तो फिर क्या आजम का इतनी जिद्दोजहद का फायदा हुआ अलामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर मिली मकसद क्या था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अल्लाह का हुक्म क्या है अल्लाह के रसूल का हुक्म क्या है रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी फिर मेरे बल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसा क्यों है मैं मुतालबा करता हूं इवानों में बैठने वालों से कि इस्तीफे दो खड़ा हो तुम फेल हो चुके हो अगर तुम अपने मुल्क में लोगों को मुफ्त और बर्वक इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर तुमने कोई काम नहीं किया भारत खोखर साहब जिंदाबाद खोखर साहब जिंदाबाद खोखर साहब जिंदाबाद तुम्हारे साहब जिंदाबाद तुम्हारे साहब जिंदाबाद साथ जिंदाबाद साथ जिंदाबाद मकसद क्या इवानों में जाने का मुझे छह दिन पहले कुछ तुर्की मिले आप यकीन कर लें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहुत शर्मिंदा हूँ वो शख्स तुर्की पाकिस्तान में तकरीबन 20 साल से आ रहा पाकिस्तान में वो कुछ तालीमी सेंटर मुफ्त चला उसने कहा जी पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान में बहुत खजाने हैं पाकिस्तान कराची से लेके पिशावर तक ज्यादा वो हमवार चला रहे हैं सारी जमीन का हमवार है
कहता हमारे पास कोई टुकड़ा नहीं है जो 50 मील का 20 मील का हम मार रहे हैं। इतने खजाने होने के बावजूद आप इतना पीछे क्यों है? आपके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्यों नहीं है? जब चाइना आजाद हुआ तो उनकी अमरीकियों से मीटिंग हुई। अमेरिकन ने कहा उनको तुम्हें क्या चाहिए? तो चाइनीज ने क्या कहा कि हमारे 20,000 बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटियों में दाखिल करके पढ़ा के वापस नहीं। अल्लाह शुक्र भाई, हमारे पास क्वालिटी यानी आला तालीम, अच्छी तालीम भी नहीं है, काश्तकारी भी अच्छी नहीं है, रिसर्च भी अच्छी नहीं है, मार्केटिंग मैकेनिज्म भी नहीं है। दुनिया में मार्केटिंग सिस्टम क्या है जरा? काश्तकार को 2 साल पहले पता होता है मैं 2 साल बाद काश्त करूंगा ये चीज और मुझे ये रेट मिलेगा और मेरी पैदावार लागत 6 हो। आज हमारी पैदावार लागत क्या है? अगर आप अजाने हो मेरी आप सबसे अब मैं सिर्फ गुजारिश करूंगा क्योंकि अब अजानों का टाइम होने वाला है, आप लोग गर्मी में भी खड़े हैं। मेरी गुजारिश है कि जब तक आपको जिलेदारान पाकिस्तान किसान इत्तेहाद बिलों की अदायगी करना कहे, जब तक इसमें से टैक्सेस ना निकले आप लोगों ने बिल अदा नहीं किया। और हम कल मुल्तान में क्योंकि ज़रात का कत्ल हो चुका है, यह अकेली ज़रात का कत्ल नहीं पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का मौशी कत्ल है और इन ज़ालिम हुक्मरानों ने यह कत्ल किया है। हम कल मुल्तान में बकायदा अलामती तौर पर ज़रात का जनाजा निकाल रहे हैं, उसको दफनाएंगे वहीं। उसके बाद नहीं काट दे चाचा, उसके बाद हम बकायदा तौर पर इस दफा काट चुकाएंगे इनको शर्म दिलवाने के लिए, शर्म फिर भी उनको आनी नहीं है, काट चुकाएंगे कि हम ज़रात कत्ल हो चुकी है उसकी कुलखानी इस्लामाबाद में कर रहे हैं। 20 दिन पहले इन तमाम इमारतों में काट भेजेंगे कुलखानी के और साथ खत लिखेंगे कि जब से पाकिस्तान बना है तुमने ज़रात के साथ किया क्या? आज बदकिस्मती से ये ज़रई मुल्क पाकिस्तान हम 14 से 15 अरब डॉलर की बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हम गंदम इंपोर्ट करते हैं, चीनी इंपोर्ट करते हैं, हम कपास इंपोर्ट करते हैं, दालें इंपोर्ट करते हैं, बीज इंपोर्ट करते हैं, फिर भी हमें शर्म नहीं आती। जब पाकिस्तान बना था पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में, 13 भारत के हिस्से में गए, आज वो 13 अजला 125 करोड़ की आबादी को फिट कर रहे हैं, हम 22 करोड़ वाले रो रहे हैं। मेरी आपसे 10 का गुजारिश है कि खुदा के लिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मईशत के लिए इकट्ठे हो जाए। अगर कोई और आके बात करना चाहे मुझे जिस मैदान में मर्जी बुला मैं आने के लिए तैयार हूं। अगर आज की तारीख तक अगर मैंने किसी काश्तकार से 1 रुपया फंड लिया हो मेरी हर बात चूक। यहां क्या तमाशा लगा हुआ? किसके इस्तेहसाल होता है? किसके इस्तेहसाल की हम बात करते हैं? जिसको हम मजलूम कहते हैं उसी को लूटते हैं और उसमें अनापरसी मैं फला से नाराज हो गया, फला ने ये किया, फला ने ये बात किया। ओ भाई कभी किसानों के लिए कोई काम किया ना? क्या मुझे कोई आके बता दे कि बाबा ईशु के लिए मेरे अलावा किसी ने जाके वजीर अजम से बात की हो? अगर किसी को लेके गया हूं तो मैं लेके गया हूं और मैं एक दफा नहीं मिला, सैकड़ों दफा मिला हूं जाके। और आज तक
अगर जाके मैंने चपरासी का ट्रांसफर भी कराया वो हलफ देखे ऐसे काम नहीं चलते जब तक जज्बा अंदर ना हो सच्चाई अंदर ना हो। हम सब बहुत वतन है, हम सब पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं। क्या आप लोग डीएपी लेकर डाल सकते हैं? नहीं। क्या होगा जब डीएपी नहीं लेकर डालेंगे? बैलेंस शुगर फर्टिलाइजर नहीं होगा तो क्या होगा? पैदावार कम हो जाएगी, मुल्क का नुकसान होगा। क्या आप गिरदावरी सिस्टम पे यूरिया ले सकते हैं? ये काशकाश के साथ क्या जुर्म हो रहा है? मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए हमें लेवल प्लेइंग फील्ड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पैदावार लागत पर इंडियन काश्कार को यूरिया बेचती है पाकिस्तानी रुपीस में 600 रुपए की। उन्होंने बाहर से 11,000 रुपए खरीद के अपने काश्कार को 600 रुपए के लिए, वहां डीएपी मिल रही है पाकिस्तानी रुपीस। करें आप मुल्क की खिदमत, पैदा करें अल्लाह के मजदूरों के लिए रिस्क और यूरिया खाद लें लाइनों में लगता है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है भाई? किसी काश्तकार ने स्मगलिंग की? किसी काश्तकार ने ब्लैक मार्केटिंग की? तो फिर क्यों काश्तकार के साथ ज्यादा होती है? हम इस गिरदावरी सिस्टम को रद्द करते हैं। और अगर डीएपी का रेट कम ना किया गया हम फसलें काश कम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जानवर बिक गए, जेवर बिक गए। आज इससे बड़े दुख वाली बात क्या है कि अलामती तौर पर मेरे काश्तकार अपने बच्चे लेके आ गए इस मैदान में कि बच्चे ड्राई फ्रॉक ताकि हम अल्लाह की मखलूक के लिए रिस्क पैदा कर सके। हम बच्चे बेच के अपने दिल अदा करें खास खरीद के अल्लाह के मखलूक के लिए। इससे बड़ा और जज्बा क्या हो सकता है इस मुल्क में? क्यों ऐसा, क्यों जुल्म है मेरे काश्तकार के साथ? क्यों तीसरे दर्जे का शहरी करार दिया गया मेरे काश्तकार को? क्योंकि हमें इत्तेफाक नहीं है। शाकिर शुजाबादी ने कहा था, सुते शेरो हुण ते जागो, बांदर जो उजाड़ी गई है। और उस शहर ने, एक मंसूब शहर ने अपने जज्बात का जिस तरह लफ्जों में अहाता किया वो सच है कि वाकई बांकर इस मुल्क को उजाड़ के जा रहे हैं। अगर हम खामोश रहे तो फिर इस मुल्क पे आईएमएफ का कब्जा होगा। अगर हम चुप रहे तो ये एक्टिव प्लांट आपके पास नहीं रहेगा। क्या आईएमएफ का जब कर्जा लिया किसी काश्तकार को मिला? नहीं। 70% आबादी तो आप है, फिर कौन खा गया? और भाई 30% वाले भी नहीं, 1% से वो कम है लोग, बल्कि हजारों में एक है वो खाने वाले। मेरा गरीब मजदूर वो अपने घर का बिल अदा कर सकता है? हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ रहेंगे, हम उसके लिए मरते दम तक उसके साथ खड़े होंगे। हमें उसमें कोई लालच नहीं है। मैंने मना किया कोई फंडे कर दी जाए, हर शख्स अपनी मदद आपके तहत है। आज
अगर 75 साल पहले आपने मुल्क बनाया था उसमें भी सबसे ज्यादा किसान का हिस्सा था, आज इस मुल्क की मैशत को बचाने के लिए भी किसान को बाहर आना पड़ेगा। दुख बहुत है, बातें बहुत है, लेकिन जुमे का टाइम होने वाला है, आप लोग गर्मी में खड़े हैं, आप यकीन कर ले, मेरा दिल लगता है कि आज मैं अपना सीना चीज के अपने से आपके सामने रख दूं कि कितनी तकलीफ है। ओ भाई, किसान के ना घर के हालात अच्छे, ना खेत के हालात अच्छे, ना तालीम के हालात अच्छे, ना उसके बच्चों की सेहत अच्छी, ना तालीम अच्छी, मैं कहां गई हुकूमत की? उसका ट्रांसफार्मर खराब हो जाए बैठा ठीक नहीं होता, शहरी का खराब हो जाए ना थोड़ा ठीक होता है, ये तमीज है पाकिस्तानी शहरी और देहाती में। आप अल्लाह को हाजिर नजर जान के हाथ खड़ा करें, कौन दिल्ली तौर पे इस्लामाबाद 14 सितंबर को आएगा हमारे साथ? खुदा को गवाह बना के कहें अपने मुल्क को बचाने आना है, मुल्क की बहशत को बचाने आना है, किसान को बचाने आना है, किसान के बच्चों की रोजी के लिए आना है, गरीबों के लिए आना है, मजदूरों के लिए आना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम। फ्रंट से एक छोटी जी डब्बी बनी हुई है, उनके से एक सील लगी हुई है, उन्होंने तोड़ोगे तो दो नट ने पेचकस या प्लास में खोल दिया जाएगी, खोलने तो बाद सामने सेम में रुमाल काट दिया जाएगी, मीटर भी चलेगा तो बिजली भी चलेगी। हम लग गया पता सिम कदे करनी आ, जेड़ा आवे ना किसान तो आवे लगे इधर, जेड़े